तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बजे हैं 10, तो अभी हम मतलब 10 नहीं सॉरी 11 बजे हैं अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट ये भाभी को शॉपिंग कराने, और ये है लकी जो छोड़ने जा रहा है हम लोगों को ब्लड से। यहाँ पे आ गए हम लोग ललितपुर महोत्सव, और ये हम मतलब मुझे कल ही पता चला था जब मैं रूबी की दवाई कराने आई थी। तो अभी हम लोग पहले यहाँ घूमेंगे, फिर इसके बाद मार्केट जाएंगे तो देखेंगे, मार्केट से शॉपिंग करेंगे थोड़ी कुछ। तो अभी मैं दिखाती हूँ अंदर क्या क्या है, तो बने रहिए मेरे साथ। वहां से वापस आने के बाद मार्केट गए थोड़ी सी शॉपिंग की, फिर तो यहाँ पे ये लोग मेरा वेट कर रहे थे बेसब्री से, और काजल जाने वाली है दीदी के घर, और ये मुस्कान। तो मुस्कान कैसा लग रहा है आपको मुझसे मिलके? गाइस मैं आपको एक चीज बताऊं, आज अपनी ट्यूशन गलती से यही पहन के, हम कोई तो देख रहा है कि आज कोचिंग जे पहन के चले गए थे, पहन कर गई। अरे यार पता, गाइस मैं आज जब बाहर से आज मतलब मार्केट से आ रही थी, जब बाहर खड़ी थी, तो मैं यही सोच रही थी कि मुस्कान कोचिंग ये स्लीपर पहन के नहीं। आपको मैं दिखाती हूँ ये पहन के, ये कोचिंग नहीं थी। क्यों पहन के नहीं जा सकते? नहीं, वो घर की है, बट कोई बात नहीं, पहन के चले गए तो चले गए, है ना। वो गलती से पहन, हम सोच रहे यार चले जाए या नहीं। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों के साथ एक पोपट हो गया है, हम लोग जा रहे थे उनको छोड़ने, बट ये अपना मोबाइल ही छोड़ के आ गए घर पे। काजल कितनी अच्छी बात है ना गाइस, बस ये मेहरौनी पहुंच जाती बस इसके बाद। और वो आ गए हैं लकी, और ये लकी आ रहे हैं काजल का फोन देने, काजल घर पे छोड़ आई है। यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग काजल को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे बाहर काजल के जाने का, बट थोड़ा सा टाइम है जाने में काजल का, तो भूख लग रही थी, तो यहाँ पे आ गए हैं समोसे खाने, है ना काजल? क्या खाओगी? कुछ भी। और मैं दिखाती हूँ मस्त समोसे, ये यहाँ पे खा रहे हैं हम समोसे। यहाँ पे आ गए हैं हम लोग के समोसे, और ये देखो समोसे की क्या बोलते हैं ये चटनी, ये समोसे का आलू, और मैं पूरा समोसा है ना, वेरी टेस्टी। तो काजल अब जा रही है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। और गाइस काजल को यहीं से हम लोग अलविदा बोलते हैं, और मैं काजल को समझा रही हूँ कि दीदी के घर जाके क्या क्या काम करना पड़ेगा। चाय तो बिल्कुल बनी नहीं मिलेगी, इसको बनानी पड़ेगी, खुद पीनी पड़ेगी, और दीदी को पिलानी पड़ेगी। काजल की बस आ गई है। अरे यार नहीं नहीं नहीं, काजल को भैया लेने आ रहे हैं गाड़ी से, तो हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो काजल ठीक है, हम लोग निकलते हैं, भैया आ जाएंगे तो निकल जाना, ठीक है? बाय गाइस। यहाँ पे आज हम लोगों के साथ पोपट हो रहा है, मुस्कान का यहाँ पे टोपा गिर गया, तो आगे बाइक वाले भैया लोग देखो टोपा बाइक पे लेके जा रहे हैं। अभी मैंने मुस्कान को कॉल किया है कि जल्दी जाओ लेने। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, और ये ब्लॉग मैं इसी में ऐड कर रही हूँ बिकॉज कल मैंने काजल को छोड़ दिया था, फिर वहाँ से मैं लौट के घर आ गई थी, तो इसके बाद है ना मुझे काफ़ी काम आ गया था, मतलब आटा ख़त्म हो गया था, तो आटा पिसवाने चली गई थी मैं। फिर उसके बाद आई तो थोड़ा बैठे, खाना वगैरह खाया, खेला, और फिर सो गए थे। तो मैं ब्लॉग को मतलब एंड करना भूल गई थी, तो अब मैं इसको इसी में ऐड कर दूँगी। तो अभी मतलब मेरा सी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं उसी की तैयारी में चल रही हूँ, बट मैंने कोचिंग नहीं की है, तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही है कैसे क्या करूँगी, फिर भी देखती हूँ क्या होता है कैसा होता है। तो अभी मैं वही यहाँ पे पढ़ाई चल रही है मेरी, तो ये मैं अभी पढ़ रही थी, और मौसम मतलब धूप देखने को नहीं मिल रही है कुछ दिनों से,
और लाइट सुबह से लाइट गई है तो आ ही नहीं रही है, बहुत बेकार लाइट हो गई है यहाँ की। तो अभी देखती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ, तो वो सारा कुछ दिखाऊंगी मैं, और बने रहिए मेरे साथ। तो ठीक है, मिलती हूँ अभी आप लोगों से, और अभी मैं ये पढ़ाई कर लूँ, थोड़ा सा पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या बन रहा है। और यहाँ पे मैं खा रही थी इमली, क्योंकि बहुत सारी इमली आ रही है, तो यहाँ पे मैं इमली खा रही थी। बताना किस किस को इमली पसंद है। और ये परी क्या आलू है, आलू का मसाला है, और ये टिक्की का पानी है। तो किस किस के मुंह में यहाँ पानी आ रहा है देख के। और यहाँ पे चाची बना रही हैं पानी पूरी सूजी वाली। तो अभी यहाँ पे आकाश खाएंगे पानी टिक्की। और परी कैसी बनी है? बहुत यम्मी थी सच्ची में। हाँ, आप देख ही सकते हो, इसको देख के गैस कर लेना कैसी बनी है। और इनको तो शेर पाल लिया है, तो ये काफी ज्यादा टेंशन में चल रहे हैं। और यहाँ पे ये चाचा इतनी सारी इमली ले आए हैं सूरन बनाने के लिए। पता नहीं कितने दिनों का सूरन बनाना है। ये पूरी 4 किलो इमली है, तो देखते हैं इमली का क्या होता है। और पीछे बैठे हमारे भगवान जी। तो अभी देखती हूँ क्या करती हूँ, और अभी मैं थोड़ा सा बैठूंगी, फिर उसके बाद अभी मैं पढ़ूंगी। फिर गाइस, इन्होंने पूरी वीडियो हमारी डिस्टर्ब कर दी है, और अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सिक रही है, सिक रही है, ये तली जा रही है, फ्राई हो रही है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।